प्यार का अगर कोई चेकलिस्ट होता दोस्तों, तो शायद हम सभी उस लिस्ट के हिसाब से अपने पर्सनल लाइफ को आगे लेकर चलते और हर वक्त उस लिस्ट में फिट होने की कोशिश करते। लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक फीलिंग होती है, इसलिए प्यार में अगर फीलिंग्स ना रह जाएं तो वो रिश्ता बस नाम का ही रह जाता है। कई बार रिश्तों की शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि रिश्तों के टूटने के पीछे कई वजह होते हैं, और उन सभी वजह में से एक वजह होती है दो लोगों की सोच में फ़र्क पड़ जाना, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होना। आज टेली चक्कर एक ऐसे सेलिब्रिटी की ब्रेकअप स्टोरी आपसे शेयर करेगा जिनके रिश्ते का अंत भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ के चलते ही हुआ था। इन दिनों इस एक्टर को आप सभी स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में मेन लीड कैरेक्टर आईपीएस विराट का रोल प्ले करते हुए देख पा रहे हैं, और इनकी केमिस्ट्री सई यानी कि आयशा सिंह के साथ लोग बेहद ही पसंद कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हैंडसम एंड डैशिंग नील भट्ट और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा सरगम की। नेहा और नील की पहली मुलाकात जी टीवी के शो रामायण के सेट पर हुई थी 2012 में, जहां नेहा सीता का रोल प्ले कर रही थी और नील लक्ष्मण का। After being good friends for some time, they both fell in love with each other and were dating since then. The speculations of being them dating each other got enhanced when they started making public appearances together. They went on dates, partied together, and moreover visited each other on respective sets. And if reports are to be believed, marriage was also on the cards. हालांकि नील ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बहुत ही प्राइवेट पर्सन हैं और उनकी पर्सनल लाइफ कोई शो के लिए नहीं है, लेकिन जब उनके और नेहा की डेटिंग की खबरें आने लगी थी तब उन्होंने मीडिया के सामने ये कन्फेस किया था कि नेहा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, अ वेरी सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग गर्ल हु मेड मी फॉल फॉर हर। इनके बीच इतना प्यार होने के बावजूद 4 साल बाद इनका रिश्ता 2016 में टूट गया। नील और नेहा ने अपने ब्रेकअप पर कोई कॉमेंट्स उस दौरान नहीं किया था, लेकिन 1 साल बाद एक इंटरव्यू में नील ने कहा था, I don't want to talk about the past. When you realize that you are not meant to be with a person, it is better to move on. I think we were not meant for each other. It happened for the best. I want to be with a girl who understands me. At the moment, I am only focusing on my career. जहां नील का ये कहना था तो वहीं नेहा ने कहा था, I am too busy preparing for my role to think about something that's clearly in the past now. इन दोनों के बयानों से तो यही लगता है कि इनके बीच की compatibility issues के चलते इनका रिश्ता एक sad note पर एंड हुआ था। आपका क्या कहना है हमारे इस स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.